स्टूडेंट्स, नाउ वी विल बी स्टडिंग द थर्ड लेसन ऑफ योर स्टैंडर्ड 6 बाल भारती टेक्स्ट बुक. चैप्टर्स नेम इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. विच इज द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड इन इंडिया? वेल फ्रेंड्स, इट्स मी, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. आई फील प्राउड टू बी नोन एज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. I have more than 30 different names in various Indian languages. In Marathi, I am known as Maldhok or Hoom. I can weigh up to 18 kilos and can stand up to 4 feet in height, reaching up to your shoulders or even higher. I have a long white neck, brown wings, tall yellow legs, and a black cap on my head. My wife, Mrs. Bustard, is smaller and slimmer than I am, and her neck is not white, but I have heard humans say that we both look impressive. इंडिया यानी भारत में सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी कौन है? वेल दोस्तों, ये मैं हूँ, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. मेरे को ये बोलते हैं, मुझे गर्व है कि मुझे द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं. आई हैव मोर देन 30 डिफरेंट, मेरे 30 अलग अलग नाम हैं विभिन्न भारतीय भाषाओं में. मराठी में मुझे मालढोक या हूम कहते हैं. मैं 18 किलो तक का भार ले सकता हूँ. मेरा वज़न 18 किलो तक हो सकता है और मैं 4 फीट ऊंचाई तक लंबा हो सकता हूँ. तुम्हारे आपके कंधों तक पहुँच सकता हूँ या शायद उससे भी ऊँचा. मेरा एक लंबा सफ़ेद गला है, भूरे रंग के पंख हैं, ऊंचे पीले पैर हैं और एक काली टोपी मेरे सर पे. मेरी पत्नी मिसेस बस्टर्ड मुझसे थोड़ी छोटी और पतली है और उसका गला सफ़ेद नहीं है. पर मैंने सुना है इंसान कहते हैं कि हम दोनों काफ़ी इम्प्रेसिव दिखते हैं. I live on grasslands and deserts along with my other friends including chinkara, blackbuck and larks. I eat everything including snakes, lizards, small fruits and berries and all sorts of insects. That's a very healthy habit. But grasshoppers and beetles are my favorite food items. मैं grasslands जो होते हैं वहाँ रहता हूँ और deserts में भी, रेगिस्तानों में भी रहता हूँ मेरे दूसरे दोस्तों के साथ, जो चिंकारा एक टाइप का डियर होता है, हिरण होता है, ब्लैकबक काले रंग का एक हिरण होता है भारत में, और लार्क. मैं सब खाता हूँ, जिसमें मैं सांप, छिपकली, छोटे छोटे फल और बहुत सारी बेरीज और सब प्रकार के कीड़े खाता हूँ. ये काफ़ी हेल्दी हैबिट है. पर ग्रास हॉपर और बीटल मेरे सबसे फेवरेट फूड आइटम्स हैं. When it starts raining, we all gather at our favorite grasslands where there are no people to disturb us. I perform a wonderful dance by gulping air in the special feathery pouch attached below my neck. This pouch helps me to produce a resonating sound similar to the one produced by the cow, hoom. I dance in joy with puffed out feathers and cocked up tail and dropped down wings. It helps me to impress my soulmate. जब बारिश आती है, हम सब हमारे प्रिय ग्रासलैंड में गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, जहाँ कोई इंसान हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होते. मैं बहुत अच्छा नाच करता हूँ, जिसमें मैं बहुत सारा हवा गल्प यानी अंदर लेता हूँ, जो मेरे स्पेशल फेदरी पाउच में जो मेरे गले के नीचे है. इससे मैं एक बहुत ही रेजोनेटिंग साउंड निकाल सकता हूँ, जो काफ़ी गाय के हूम से बहुत सिमिलर है. मैं खुशी में नाचता हूँ, मेरे पंख बाहर आए हुए और मेरी पूंछ कॉक्ड अप और मेरे पंख नीचे ड्रॉप डाउन हुए हुए. इससे मैं अपनी सोलमेट को इम्प्रेस कर पाता हूँ. यू नो दैट वी बर्ड्स ले एग्स एंड आर यंग वंस हैच आउट ऑफ एग्स. मदर GIB लेज जस्ट वन एग डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड. वी डोंट बिलीव इन बिल्डिंग नेस्ट्स. तुम्हें मालूम है कि हम पक्षी अंडे देते हैं और हमारे बच्चे उसमें से हैच यानी उसमें से निकलते हैं. मदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सिर्फ एक अंडा देती है ज़मीन पे. हम नेस्ट यानी घोंसला बनाने में विश्वास नहीं करते.
We have a special trick to protect our eggs from predators. The egg looks like a stone. Monitor lizards, foxes, dogs, pigs, snakes, and eagles are enemies of my egg and chick, but my wife protects the egg from all of them. By the time our young one hatches out of the egg, rains arrive. There's plenty of grass swarming with insects, fresh food for my family. Young ones of other birds soon fly away from the nest, but a great Indian bustard mother and chick stay together for nearly 1 year. The chick learns many good habits from the mother. हमारी एक स्पेशल तरकीब है हमारे अंडों को प्रेडेटर्स से बचाने के लिए. प्रेडेटर्स यानी जो अंडे खाते हैं. The egg, हमारा जो अंडा है वो एक पत्थर के जैसे दिखता है. मॉनिटर लिजर्ड्स, फॉक्सेस, कुत्ते, पिग्स, सांप और गीदड़, ये हमारे दुश्मन हैं हमारे अंडों के और हमारे बच्चे के. पर मेरी पत्नी हम अंडे को सबसे बचाती है. जब टाइम होता है कि हमारा बच्चा अंडे से बाहर हैच होता है, बारिश आती है, काफ़ी घास होती है कीड़ों से भरी हुई, बहुत ही फ्रेश फूड फॉर माय फैमिली. यंग वंस ऑफ अदर बर्ड्स सून फ्लाई अवे फ्रॉम द नेस्ट, बट अ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मदर एंड चिक स्टे टुगेदर फॉर नियरली 1 ईयर. एक साल तक माँ और बच्चे साथ में रहते हैं. You may have heard about a great human friend of ours, Dr. Salim Ali. He had even suggested that we should be given the status of the national bird of our country, but the honor went to our beautiful relative, the peacock. I am happy to tell you that I am the state bird of Rajasthan. We have got 10 sanctuaries for our protection, but sadly our number is still going down. आपने हमारे एक बहुत अच्छे इंसान दोस्त के बारे में सुना होगा जिनका नाम है डॉक्टर सलीम अली. उन्होंने ये भी सजेस्ट किया था कि हमें नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया यानी कंट्री यानी इंडिया हमारी, उसका खिताब दिया जाए. पर यह खिताब हमारे बहुत ही सुंदर रिलेटिव यानी हमारे सुंदर जो मोर है उनको गया, पीकॉक. मैं खुश हूँ आपको ये बताते हुए कि मैं राजस्थान का राज्य पक्षी के नाम से भी जाना जाता हूँ. हमारे लिए 10 सेंचुरीज है हमारे रक्षा के लिए, पर दुख की बात है कि हमारा नंबर फिर भी कम हो रहा है. वी यूज़ टू लिव इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट स्लोली द ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ मैन पुश्ड अस अवे फ्रॉम मोर देन 90% ऑफ आर होम रीजन्स. वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन. वी ऑल्सो डाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स दैट वी कांट सी वाइल फ्लाइंग. We are losing our homes. Today, only the last 200 of us are left in the world. We need your support and love in order to survive. Can you help us? हम पहले भारत के सारे हिस्सों में रहते थे, पर धीरे धीरे हमारी बढ़ती हुई संख्या इंसान की हमें दूर भेज रही है, और हमारा 90% हम जहाँ रहते थे वो चले गए हमसे दूर. हमको डर लगता है उन शिकारियों से जो हमें मजाक के लिए मारते हैं. हम इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स जिनको हम उड़ते समय नहीं देख सकते, उनके कारण भी हम मरते हैं. हम अपने घर खो रहे हैं. आज सिर्फ आखिरी 200 हम बचे हैं पूरे दुनिया में. हमें आपका सपोर्ट और प्यार सहायता और प्यार चाहिए सर्वाइव यानी जिंदा रहने के लिए. क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? You can write letters to your leaders and make an appeal to help us. You can make my drawing and submit it to your teacher. You can discuss this with your parents. Come to see us at a sanctuary, because now you will not see us in other places. And who knows, if humans don't help us, none of us will be left on the earth. You will only see us in pictures. आप बच्चों, आप अपने लीडर्स को लेटर खत लिख सकते हैं और ये घोषणा कर सकते हैं कि वो हमारी मदद करें. आप हमारी ड्राइंग बना के अपने टीचर को दे सकते हैं. आप इस बारे में अपने मम्मी पापा से बात कर सकते हैं. कभी आइए हमको हमारे सेंचुरी पे देखने के लिए, क्योंकि अभी आप हमें दूसरे जगह नहीं देख पाएंगे. और क्या मालूम, अगर इंसान भी हमारी मदद ना करे तो हम पूरे धरती पर हम में से कोई नहीं बचेगा. आप हमें सिर्फ पिक्चर्स में देखेंगे. इसे लिखा है डॉक्टर प्रमोद पाटिल ने.